बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने डिस्कस करना है नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 131 और टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है वो था एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन थी जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, मतलब फर्मेंटेशन जो होती है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए से ही की जाती है, जिससे हमने देखा था कि हमने कौन सी प्रोडक्ट्स हासिल की थी। इसको कहते हैं एथाइल अल्कोहल हो गया और उसके बाद जो है लैक्टिक एसिड हो गया, ये जो है फर्मेंटेशन के जरिए से इसको प्रोड्यूस किया जाता था। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है फर्मेंटेशन की। अब जब कहा जाता है कि जब दुनिया मार्स से वजूद में आई, दुनिया जब बनी है तो उस वक्त ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही कम थी या नहीं थी, तो तब जो है हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे उस वक्त दुनिया में वो एनएरोबिकली रेस्पिरेट करते थे, मतलब उनमें ऑक्सीजन जो है वो शामिल नहीं थी। ठीक है जी, अब एनएरोबिकली रेस्पिरेट करते थे तो उन ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाता है एनएरोब्स। एनएरोब्स एनएरोब्स का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो के ऑक्सीजन की अब्सेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, उनको एनएरोब्स बोला जाता है। लाइक सम बैक्टीरियाज आर आल्सो एनएरोब्स। ठीक है जी, अब अगर मैं बात करूं तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था लैक्टिक एसिड के बारे में। तो लैक्टिक एसिड क्या चीज थी, जब हम लेट्स सपोज हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट होती है हाई एटीपी की, ज्यादा तादाद में एटीपी की। अब ज्यादा तादाद में बॉडी को एटीपी की जरूरत है तो बॉडी ज्यादा तादाद में एटीपी कैसे हासिल करेगी, जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कब होगी, जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन कब होगी, जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन की ही कमी होगी जब हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, रेस्पिरेशन तो होगी लेकिन एरोबिक नहीं, यहाँ पे एरोबिक नहीं एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी हमारी बॉडी में। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुई, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये हमारे पास रेस्पिरेशन कौन सी है, एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुई तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, लैक्टिक एसिड। हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। जब बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो मसल्स के अंदर जो है वो अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, और ये फिर क्या करता है, मसल्स में खिंचाव का बायस बनता है। हमने अक्सर देखा होगा जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या इस तरह का कोई हार्ड काम करते हैं या बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, तो फिर क्या होगा कि हमारी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, हमारे मसल्स में खिंचाव सा पैदा हो गया है। वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो चुका है, लैक्टिक एसिड की कम्पोलेशन हमारी बॉडी में हो चुकी है। अब अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन में, जो आजकल साइंटिस्ट हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन को, फर्मेंटेशन को ह्यूमन बीइंग की बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स की बेनिफिशरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो एनएरोब्स हैं लाइक बैक्टीरिया, तो वो उनको क्या कर रहे हैं, वो उनको जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स, जो वो प्रोडक्ट्स जो कि बेनिफिशरी हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, उनको प्रोड्यूस करवा रहे हैं। जैसा कि आपने 8th क्लास की साइंस में देखा था इंसुलिन, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन उसमें जो है वो इन्वॉल्व कौन सी चीज थी, बैक्टीरिया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एनएरोब जो यूज हो रहे हैं उससे हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसा कि चीज हो गई, चीज, योगर्ट, सोया सॉस, ये हम लोग फर्मेंटेशन के जरिए से इसको प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है जी,
अब जो है नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन ये है कि आपका आप ये कह लें कि बहुत ज्यादा ये पेपर में बोर्ड में लॉन्ग के तौर पर ये क्वेश्चन आता है। अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कैसे होता है। ये पेज नंबर है आपका 132, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हमने ये देखा कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो मैकेनिज्म है तीन स्टेप्स पे कंप्लीट होता है। कौन कौन से तीन स्टेप्स हैं? पहला ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड क्रॉप साइकिल और नंबर थ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसा कि हमने देखा तो फोटोसिंथेसिस का तो वो बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, उसमें पहले लाइट रिएक्शन होता है और उसके बाद जो है वो डार्क रिएक्शन परफॉर्म होता है। इसी तरह से हमारे पास अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो इसमें पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर क्रॉप साइकिल का प्रोसेस आता है और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस आता है। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बताता चलूँ उसके बाद हम उसको डिटेल से देखें कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको कहते हैं, ग्लाइको कहते हैं ग्लूकोज को, ग्लूकोज, और लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो उसको ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। और ये प्रोसेस जो है ग्लाइकोलाइसिस का ये होता कहाँ पे है? ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल का फ्लोर होता है वहां पे, जैसे ये नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास एक सेल है या न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म। ये मैंने डॉट में लाए हैं, यहाँ पे डॉट नहीं होगा, ये फ्लोर होगा जो सेल का साइटोप्लाज्म में लगा है, ठीक है जी। और ये ग्लाइकोलाइसिस है, ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? सेल में, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब जो है ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद क्रॉप साइकिल। क्रॉप साइकिल जो है इसको हैंस क्रॉप ने डिस्कवर किया था। हैंस क्रॉप के डिस्कवर करने की वजह से उसका नाम जो है वो रख दिया गया क्रॉप साइकिल, हैंस क्रॉप। हैंस क्रॉप ने इसको डिस्कवर किया था और इसी के नाम से इसका नाम रखा गया क्रॉप साइकिल। और नंबर थ्री जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये नाम से इजहार होता है कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम वन पार्ट टू एन अदर, मतलब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होगी। अब हम इसको देखते हैं डिटेल से कि ये कैसे प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले प्रोसेस होगा ग्लाइकोलाइसिस का, वो हम मैकेनिज्म से देखते हैं ये मैकेनिज्म परफॉर्म किस तरह से होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये परफॉर्म होगा इस तरह से जी कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, या मैं लिखता हूं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस हमारे पास क्या होगा? क्रॉप साइकिल और नंबर थ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस, क्रॉप साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जो है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, इसमें सबसे पहले मैंने आपसे अभी डिस्कस किया इसमें ग्लूकोज होगा। अब इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी, ठीक है जी। अब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन किस तरह से होगी? यहाँ पे एडीपी और एनएडी प्लस ये यहाँ पे रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो ये आपने बात याद रखनी है कि ग्लाइकोलाइसिस हो, क्रॉप साइकिल हो, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो,
तीनों स्टेप में एटीपी लाजमी तौर पे प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे सबसे पहले जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये क्या चीज पर हमारे पास हासिल होगी, टू पार्टी एसिड। ठीक है, टू पार्टी एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई है, सिक्स कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, और पार्टी एसिड थ्री कार्बन कंपाउंड है, थ्री कार्बन के दो मॉलिक्यूल बन गए ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के नतीजे में। और मैंने अभी आपको बताया कि एटीपी तो लाजमी तौर पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, और जो थर्ड चीज हमारे पास बनेगी वो एनएडीएच बनेगा, एनएडीएच। अब ये जो क्या है एनएडीएच क्या चीज थी, इसको कहते हैं निकोटिनामाइड एडिनिन डाइनिक्लोटाइड, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइनिक्लोटाइड। फिर रिपीट करता हूं, एनएडी स्टैंड फॉर निकोटिनामाइड एडिनिन डाइनिक्लोटाइड, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइनिक्लोटाइड। अब यहां पे हमारे पास जब ये इस्तेमाल हुआ, यहां से आपने देखना है कि यहां पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट थे इसके साथ ग्लूकोज में, तो एक हाइड्रोजन जो है वो एडीपी में हमारे पास में जो है एनएडी के ऐड हो रहा है, एनएडीएच बना रहा है। ठीक है जी, एडीपी जो है वो कन्वर्ट हो गया एटीपी में। अब ये जो है पार्टी एसिड, ये आगे जो है वो इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास बनाता है एसिटाइल कोए। ठीक है जी, एसिटाइल कोए। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि जब पार्टी एसिड क्रब्स साइकिल में इंटर होगा, तो यहाँ पे दिखने में तो ये लग रहा है कि पाइरूविक एसिड क्रब्स साइकिल में आके चेंज हुआ है और एसिटाइल कोए बन गया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। ये पाइरूविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में ही कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में और फिर ट्रांसफर होता है क्रब्स साइकिल में। यहाँ पे आकर जो है वो एसिटाइल कोए नहीं बना है, जबकि एसिटाइल कोए यहाँ पे बन गया है, पाइरूविक एसिड कन्वर्ट हो गया यहीं पे एसिटाइल कोए में। ठीक हो गया जी, अब एसिटाइल कोए को कहा जाता है कि ये टू कार्बन है, जैसा कि पाइरूविक एसिड थ्री कार्बन था, एसिटाइल कोए हमारे पास टू कार्बन है। अब यहाँ पे हमारे पास यूटिलाइज हो रहा है एडीपी, एफएडी, FAD प्लस और NAD। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या चीजें हैं, ये हमारे पास को एंजाइम्स हैं जो कि यहाँ पे रिएक्शन में यूटिलाइज हो रहे हैं। ADP हमारे पास, ये आप जानते हो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और NAD मैंने अभी बात आपको बताया निकोटिनामाइड एडिनिन डाइनिक्लोटाइड, और जो FAD है फ्लेविन एडिनिन डाइनिक्लोटाइड हो गया ये आपका। ठीक है जी, फ्लेविन एडिनिन डाइनिक्लोटाइड, और यहाँ पे एसिटाइल कोए पर जब ये हमारे पास को एंजाइम इसमें ऐड हुए हैं, तो हमारे पास जो है क्या बना है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गई प्लस एडीपी, उसके बाद एफएडीएच और एनएडीएच। ठीक है, CO2 ADP NADH FADH2, सॉरी FADH2 बनेगा। ठीक है, FADH2 बन गए, और ये हमारे पास क्या निकल गया, कोएंजाइम के। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास बने हैं FAD और NADH, ये इसको मैं अगर तरतीब से बल्कि ऐसे देख लेते हैं कोई मसला नहीं है, FADH प्लस NADH। अब ये दोनों जो है ये क्या भी है, ये रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये दोनों जो है वो इंटर हो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
चेन में। अब ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर हुए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ पे ऑक्सीजन जब इन्वॉल्व हुई तो हमारे पास एक तो वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, और मैंने अभी आपको बताया एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि एटीपीआर रिएक्शन में डाल बनेगी। और दूसरा जो है अगर नाम से देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब हाइड्रोजन जो है वो लूज हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन लूज हो गया तो एन के डी ने एन ए डी एच ने हाइड्रोजन लूज किया है तो यहाँ पे क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव, एन ए डी पॉजिटिव। और ऐसे ही इसने दो हाइड्रोजन लूज कर दिया मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन इसने भी लूज कर दिया, इसने भी लूज किया तो इस पर भी कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव Fe+, ठीक है जी। ये इस तरह से हमारे पास जो है एंड प्रोडक्ट में वाटर और एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है उसके नतीजे में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए से, ठीक है जी। और हमारे पास ये कोएंजाइम जो है वो प्रोड्यूस हो गए। अगर मैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक की बात करूँ एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, तो एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो एनर्जी हासिल कितनी होगी और कितनी एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन में हम देखेंगे कि आपका जो है पेज नंबर 133 पे आ गया द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि ये पहले आपने अंडरलाइन करना है इन चीजों को कि हमारे पास जो एन ए डी एच है वो प्रोड्यूस करता 3 एटीपी के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है जी। ईच एन ए डी एच प्रोड्यूस 3 एटीपी इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द एन ए डी एच जनरेट्स इन ग्लाइकोलाइसिस गिव्स 2 एटीपी बिकॉज 1 एटीपी इज स्पेंट टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। Each FADH2 produce 2 ATP. जो FAD2 जो है वो 2 मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करता है एटीपी के, या मैं लिख देता हूं NADH, ये प्रोड्यूस करेगा 3 मॉलिक्यूल FADH, ये प्रोड्यूस करेगा 2 मॉलिक्यूल एटीपी के, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं रिएक्शन की तो सबसे पहले अगर हम रिएक्शन पे आए तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज ग्रहण है, उसकी क्या हुई ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है जी। और हमारे पास क्या हासिल हो गया पाइरूविक एसिड, और ये प्रोसेस हमारे पास कौन सा है, ये प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो यूज हो रही है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 NADH जो है वो रिएक्ट करते हैं यहाँ पे NADH 2 NADH, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ 2 NADH, यहाँ पे 2 NADH जो है वो रिएक्ट करेंगे और हमारे पास एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे 4 ATP के
फोर एटीपी बन गई। और फोर एटीपी क्यों बन, पहले आपने ये देखना है, यहां मैं लिख भी देता हूं एनएडीएच, ये थ्री मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है एक से, और एफएडी ये करता है टू। लेकिन हमने देखना ये है कि यहां पे टू एनएडीएच है तो हमने कितने चाहिए, सिक्स, क्योंकि एक जो है वो एनएडीएच थ्री प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस कितने हुए, फोर। वो इस तरह से होता है कि हमारे पास जो टू मॉलिक्यूल होते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस में ही इस्तेमाल होते हैं, टू एटीपी वो इसी तरह से ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल होते रहते हैं, ठीक है। टू प्रोड्यूस जो है यहाँ से प्रोड्यूस होंगे एटीपी के मॉलिक्यूल, वो ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल होंगे और बाकी पीछे जो है वो रह जाएंगे, फोर मॉलिक्यूल्स जो है वो रह जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास प्रोड्यूस क्या हो रहा है, एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए, ठीक है। अब एसिटाइल को ए तो प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी एनएडीएच जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पे भी एनएडीएच इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। कितने, टू एनएडीएच, चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा जी, टू एनएडीएच यहाँ पे प्रोड्यूस हुए। अभी हमने देखा है कि डीएच एक जो है वो कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, थ्री मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, तो हमारे पास टू एनएडीएच से हमारे पास कितने प्रोड्यूस होंगे, अब इससे हमारे पास जो प्रोडक्शन होगी वो सिक्स एटीपी की होगी, क्योंकि एक जो है वो तीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, दो कितने करेगा, सिक्स मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं बात करूं एसिटाइल को ए के बाद हमारे पास आ जाता है क्रब्स साइकिल, क्रब्स साइकिल, क्रब्स साइकिल भी ऐसे ही हमारे पास चलता रहता है, क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक NADH के सिक्स मॉलिक्यूल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, सिक्स NADH, अगर यहाँ पे सिक्स NADH इस्तेमाल हो रहे हैं तो एटीपी के मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस होंगे, सिक्स मल्टीप्लाई थ्री एटीन मॉलिक्यूल, एटीन एटीपी मॉलिक्यूल। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास FADH2, उसके टू मॉलिक्यूल है, एफ ए डी एच टू, इसके टू मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास एफ ए डी जो है वो प्रोड्यूस करता है टू मॉलिक्यूल ए, तो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई टू ए हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे फोर, फोर ए डी पी के मॉलिक्यूल, ठीक है जी। अब ये हमारे पास हो गया और उसके बाद जो है टू मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिलीज आउट हो जाए टू एटीपी, और इसके नतीजे में यहाँ पे भी जो टू प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ से टू जो है वो रिएक्शन से निकलते रहेंगे, क्योंकि एक बार ग्लाइकोलाइसिस हुआ टू न्यूट्रलाइज हुआ, टू जो है वो बाद में वो एटीपी यहाँ से निकल गए टू एटीपी, यहाँ से भी टू एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो निकल रहे हैं। इस तरह से हमारे पास जो है वो टोटल हो गए 36, ठीक हो गया जी। टोटल हमारे पास ये जो एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं उनकी तादाद है 36। अगर आप इसको काउंट भी करो 18 + 4 = 22, 22 + 6 = 28, 28 + 4 = 32, 32 + 2 = 34 और ये 36। लेकिन अगर मैं ऐसा होल बात करूं तो मेरे पास जो प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं 38, वो कौन से टू होंगे, वो जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है जी। इस तरह से एनर्जी बटर करेंसी है रेस्पिरेशन की, वो ये प्रोड्यूस हमारे पास जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।